नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आरती। देश कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार कर चुका है। इसको लेकर भाजपा देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जमशेदपुर में जिला भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का आभार जताने के लिए मानव श्रृंखला बनाया। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि मानव श्रृंखला 100 करोड़ के आकार की बनाई गई थी। भाजपा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव और भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कार्यक्रम की अगुवाई की। इस मौके पर मौजूद नेताओं ने कहा कि भारत ने न सिर्फ सबसे कम समय में 100 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन देने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि कई देशों को भी मदद पहुंचाई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और जल्द ही देश के कोरोना मुक्त होने की उम्मीद जताई। की स्वदेशी वैक्सीन 100 करोड़ डोज कुशल प्रबंधन, मोदी जी के कुशल प्रबंधन के कारण 100 करोड़ डोज भारत के नागरिकों को लगा है। आज भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा मोदी जी को आभार देने के लिए आई है, मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए आई है। साथ ही साथ हम एक उत्सव मना रहे हैं और उत्सव मनाते हुए हम मोदी जी को और भारत के वैज्ञानिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगे एक एक लोगों को, डॉक्टर्स, नर्सेस, ANM, मेडिकल टीम को भारतीय जनता पार्टी और यह युवा मोर्चा प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। जो उन्होंने मां भारती की सेवा की है उसके लिए हम उन्हें आभार प्रकट कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा आज अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त कर रहा है। आज हम लोग 100 करोड़ वैक्सीन कंप्लीट कर चुके हैं। उसी के उपलक्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देते हैं। हम लोग देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मात्र 6 महीने के भीतर 100% मेक इन इंडिया वैक्सीन का निर्माण किया। साथ ही साथ डॉक्टर्स को हम लोग धन्यवाद देते हैं। उसी के उपलक्ष में मानव श्रृंखला बना के हम लोग आभार व्यक्त करने का काम कर रहे हैं।